लेडीज़ एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग डे इन माई लाइफ। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले, वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले, मैं आप लोगों को फटाफट एक क्विक अपडेट देता हूँ। लास्ट कुछ दो तीन मंथ से जो भी चल रहा है, तो लास्ट दो मंथ्स जो थे मेरे हिसाब से अगस्त और सितंबर, एकदम ही बेकार जिम गया है मेरा। बहुत इनकंसिस्टेंट था मैं, कभी तीन दिन आ रहा हूँ, कभी चार दिन आ रहा हूँ, कभी बैक डे स्किप हो रहा है, कभी लेग स्किप हो रहा है, कभी कुछ। और उसी टाइम के अराउंड शायद लिनेश और अंशुल दोनों ने जिम आना छोड़ दिया है, तो दो महीने अकेले ही आया हूँ मैं, तो एक वो भी एक फैक्टर है। और दूसरा, जो लास्ट मंथ मैंने अभी रिसेंटली साइकिलिंग करना स्टार्ट किया है, तो वो बीच में अभी फ्रीक्वेंट, जैसे आपने वीडियोज़ भी देखे होंगे, लास्ट तीन वीडियोज़ शायद पूरे साइकिलिंग वाले थे, तो वीकलीज भी हो रहे थे, संडे को भी हो रहे थे, तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वो भी हो रहा था। उसकी वजह से बॉडी पे बहुत स्ट्रेन रहा था, रिकवरी के लिए बॉडी को टाइम लग रहा था, तो उसकी वजह से मेरा जिम मिस हो रहा था। तो आई थिंक अगस्त स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में मैंने ऑलमोस्ट 70 केजी वेट टच किया था, 69.8 समथिंग मेरा वेट कुछ हो गया था। और अभी कल जब मैंने लास्ट चेक किया तो 67 समथिंग, मतलब 2 केजी से भी ज़्यादा मेरा कुछ वेट लॉस हो गया है। और उसी की वजह से पता, थोड़ा सा स्ट्रेंथ में भी बहुत सारा, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं कहूँगा, थोड़ा सा स्ट्रेंथ में भी डिक्लाइन मुझे देखने को मिला है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी मैं अपना ये माइक का जो ईयरफोन का माइक है वो यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जो फ़ोन का मेरा माइक है उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग में कोई इशू आ रहा है, पता नहीं काफ़ी कुछ टाइम से हो रहा है। मेरे वीडियो जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ 30-40 सेकेंड्स के बाद से वो ऑडियो कट हो जाती है। और अभी थोड़ा सा पता वैसा टाइम आ चुका है कि जब आप सुबह उठते हो ना, हल्की सी ठंड आ चुकी है, मिड अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है मंथ, विंटर ट्रेनिंग आर्क, वेलकम टू विंटर ट्रेनिंग आर्क एपिसोड 1। आज मैं ट्रेन करने वाला हूँ चेस्ट और शोल्डर्स, बहुत अच्छा दिन जाने वाला है, बहुत अच्छा वर्कआउट जाने वाला है। बाकी लोग क्या ट्रेन कर रहे हैं उनसे जो भी मिलेगा, कैमरा में आने से थोड़ा सा लोग वैसे हो जाते हैं कि अरे नहीं वीडियो मत ले, ये मेरे को देखता हूँ जो भी रहेगा। नीचे जाता हूँ अभी, देखता हूँ यहाँ पे पहले वार्म अप कंप्लीट करता हूँ अपना। और दूसरी चीज़ ये बता रहा था मैं कि लास्ट दो मंथ में जितना भी मैंने प्रोग्रेस लॉस्ट करी है, तो इस मंथ में ट्राई करूँगा पूरा गेन करने का। इस मंथ का मेरा गोल रहेगा 70 केजी वापस टच करने का। और साइकिलिंग वाला आपको अपडेट दूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं साइकिलिंग बिल्कुल ही बंद कर दूँगा, जिम में कंटिन्यू रखूँगा, सिर्फ वीकेंड्स पर साइकिलिंग जाऊँगा, जिससे मेरा कार्डियो भी मेंटेन रहे, क्योंकि मुझे साइकिलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं नहीं चाहता मेरा वो एक चीज़ छूटे। साइकिलिंग कंटिन्यू रखूँगा, जिम कंटिन्यू रखूँगा। आगे वाले टाइम पर जो आपको वीडियोज़ देखने मिलेंगे, तो हो सकता है अल्टरनेट देखने मिले, एक जिम की वीडियो देखने मिले, एक साइकिलिंग की वीडियो देखने मिले, थोड़ा सा जिम वाली वीडियो की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी। Thank you.
जिम जाने के लिए या वर्कआउट वगैरह करने के लिए, और इसी टाइम पर मेरे को सोलो जाना पड़ रहा है। तो क्योंकि जो पता है, आप मेंटली खुद को पुश कर लेते हो एक पॉइंट तक कि आप फेलियर तक पहुंच जाते हो। जैसे आपने अभी मेरी पीछे पुरानी अभी वीडियोस देखी होंगी जो चले होंगी, उसमें एंड पॉइंट तक मैंने अपने आप को पुश किया फेलियर। लेकिन जब फेलियर के पास पुश करने वाली जो चीज़ होती है, वो जो आपके साथ एक जिम ग्रो होता है, जो वो वाली चीज़ बहुत अच्छी होती है। तो एक्चुअली अभी मेरे साथ आई थिंक जब मैंने जिम ज्वाइन किया था स्टार्टिंग फेब में,
जो फर्स्ट मंथ था उसमें मैं और अंशुल इतना भयंकर पुश करते थे हम लोगों को, मतलब पुश पास्ट फेलियर से भी बहुत फास्ट पुश करते थे हम लोगों को, तो वो बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। आई थिंक वो चीज़ मैं एक लैक कर रहा हूँ, तो एक पॉइंट उसको डिलीट करूँगा मैं। और दूसरा पॉइंट इसलिए क्योंकि मैंने बहुत टाइम ख़राब किया। यूजुअली मेरा वर्कआउट 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स में कम्प्लीट हो जाता है, अभी एक घंटे से थोड़ा ज़्यादा 5-10 मिनट हो गए हैं और अभी मेरा वर्कआउट कम्प्लीट हुआ है। और उसको स्पेसिफिक रीज़न है कि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था मैं, दोनों चीज़ों के अपसाइड डाउनसाइड हर चीज़ में करते हैं, तो अगर मुझे वर्कआउट पूरा कम्प्लीट करना है एफिशिएंटली तो वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाता, वीडियो रिकॉर्ड करना होता तो वर्कआउट अच्छे से नहीं हो पाता। तो आज का वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट, स्ट्रेचिंग भी मैंने कंप्लीट कर ली है, लोगों से बातचीत भी कर ली है, विंटर आर्क ऑफिशियली अब स्टार्ट हो चुका है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ठंडी आ गई है, ठंडी अभी बिल्कुल नहीं है, दिन में 33-34 डिग्री टेम्परेचर अभी भोपाल में करेंटली जा रहा है, लेकिन ठीक है जब सुबह सो के उठते हो 6-7 बजे तो हल्की ठंड आपको फील हो रही है, तो वो वाला टाइम आ चुका है। आई थिंक मेरे हिसाब से 10-15 डेज में प्रॉपर ठंड तो नहीं बोलूँगा लेकिन हाँ अच्छा वेदर होना स्टार्ट हो जाएगा, कोल्ड जो वेदर बोलते हैं जो विंटर आर्क जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो कमेंट करके पक्का बताना आप लोगों को कि ये वीडियो कैसा लगा, बिल्कुल मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ, 4 तो आते ही है मुश्किल से, तो 4 कर देता हूँ लेकिन ठीक है। और आज का वर्कआउट कैसा लगा आप लोग वो ज़रूर बताना, और आगे जैसे आज मैंने चेस्ट शोल्डर ट्रेन किया तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मुझे क्या ट्रेन करते देखना है, हो सकता है लेग्स देखना हो, बैक देखना हो या शोल्डर्स या फिर जो भी है आप लोगों को आर्म्स वर्कआउट देखना हो, आर्म्स वर्कआउट कैसे, खैर मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ विंटर ट्रेनिंग आज जो रहेगा पूरा मैं इसको एपिसोड वाइज में करूँ, जैसे आज ये फर्स्ट एपिसोड हो गया वैसे सेकंड थर्ड से धीरे धीरे मैं सब बनाते जाऊँगा। तो ये वीडियो हो चुका है कंप्लीट, सब्सक्राइब कर देना, हर वीडियो में बोलता हूँ 2000 सब्सक्राइबर हिट करते हैं, ईयर एंड करने से पहले मेरा गोल है 1760 सब्सक्राइबर्स, आई थिंक मेरे हिसाब से हो चुके हैं 240 कुछ बचे हुए हैं, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।